ये सेबी से मिलकर के जो अडानी जी की सेबी से साजिश करके अडानी जी ने जो घोटाला किया है और जिसकी हमारे नेता खड़गे साहब और राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने और इंडिया गठबंधन ने जो जेपीसी की इस पूरे घोटाले की जांच की मांग की है उसको लेकर के राजस्थान में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये धरना प्रदर्शन ईडी कार्यालय के सामने रखा गया था। ये तो शुरुआत है, इनके घुटने टिका के रहेंगे, इनके घोटालों को उजागर करके रहेंगे, इनको जेलों में भेज करके रहेंगे, इनको सत्ता से हटा के रहेंगे, क्योंकि इन्होंने 10 साल तक देश के लोगों को लूटने का जो काम किया है अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, अब इनकी कलई खुलने लगी है। ये राफेल से बच गए, ये नोटबंदी के घोटाले से बच गए, लेकिन इस जो शेयर मार्केट का जो अडानी जी से मिलकर के ये जो घोटाला किया है सेबी प्रमुख से मिलकर के उससे ये कभी नहीं बच सकते हैं। जेपीसी की जांच भी होगी और जेपीसी की जांच में दूध का दूध पानी का पानी होगा और ये लोग जेलों में जाएंगे, इनका सच उजागर होगा कि किस प्रकार से केंद्र की सरकार और केंद्र की सरकार में बैठे हुए लोग पूरी की पूरी सरकार अडानी जी के माध्यम से बड़े घोटाले कर रही है। अडानी जी को पूरे देश की संपदा के ऊपर कब्जा करा दिया गया है, नवरत्न कंपनियों को औने पौने दामों में अडानी जी को और उनकी कंपनियों को बेच दिया गया है और आज पूरा का पूरा देश का जो लोग हैं जिन्होंने शेयर मार्केट में एक विश्वास के साथ में अपना जैसे भी जोड़ तोड़ करके जो धन इकट्ठा किया था उस धन को निवेश करने का काम किया है वो ठगा सा महसूस कर रहा है और ये लोग बाग घोटाले पे घोटाले कर रहे हैं। प्राइवेट व्यक्ति को सेबी की प्रमुख बना दिया गया है और जो जांच कर रही है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वो सेबी के प्रमुख के पति भी उन सेल कंपनियों में अडानी की कंपनियों में हिस्सेदार हैं और मार्केट वैल्यू बढ़ा करके और उनका स्टॉक बढ़ा बता करके और उसके आधार के ऊपर पूरे देश की जो है वो टेंडर प्राप्त किए जा रहे हैं, पूरे देश की नवरत्न कंपनियों को खरीदा जा रहा है, बैंकों से लोन उठाया जा रहा है और बैंकों का बाद में लोन माफ करवाया जा रहा है। ये जो घोटाले जिस तरीके से कर रहे हैं ये हम सब लोग आज हमारी शुरुआत है। अब हम जिलों में ब्लॉक में गांव में वार्ड में ढाणी में सब जगह जाएंगे और इनकी सच्चाई को उजागर करेंगे।